भी कम है, डिपॉजिट नहीं आया। जब सोचा था 2023 में कैसा भी जीतना, कुछ भी करके भी जीतना, अपन पब्लिक का दिल में बैठ के उसका घर में एक मेंबर जैसा ट्रीट करे, जैसा काम करना बोल के सोचा। जहां समस्या है वहां पे समस्या को परिष्कार देखने के लिए पब्लिक के साथ आता आया था। एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन भी किया। 5 साल से मेहनत करा, 24x7 365 days। कभी भी मैं पार्टी का काम पे, पार्टी मीटिंग पे 6 दिन और 7 दिन मैक्सिमम इन 5 ईयर्स मैं पार्टी ऑफिस को गया था। इससे पहले बगल का कॉन्स्टिट्यूएंस में क्या हो रहा बोल के भी नहीं देखा, मैं पूरा काम करते गया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ बोले तो, एक 2 साल के पहले प्रजा संग्राम यात्रा बोल के बंडी संजय जी ने अपना चीफ जब था उन्हें करे थे, उस टाइम पे पब्लिक मीटिंग अपना कैडर मीटिंग पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग पे एक बात बोला था। ये भगवान भी सही करा। ये बात क्या है बोले तो, अगर बीजेपी जीतना 2023 में, अगर केसीआर साहब आके टीआरएस से यहाँ लड़े तो भी, अगर वर्किंग प्रेसिडेंट जब था रेवंत रेड्डी जी आके कांग्रेस के तरफ से यहाँ लड़े तो भी बीजेपी जीतना बोल के उस दिन बोला था मैं। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैं उस दिन बोला था ऐसा काम करना, बीजेपी जीतना बोल के मैं अपना कार्यकर्ता को मैसेज दिया था। जब से मैं हम लोग पूरा 24x7 अराउंड 8,000 ऑफ द पार्टी कार्यकर्ता पूरा काम पे लगे हुए, जब से काम करते 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 आया, वह हर घर में पहचान कैसा, वो बोले तो यरमना रेड्डी बोले तो अपना भाई है, अपना घर का बड़ा बेटा है जैसा है, ये जो भी समस्या है तो उसको बोले तो चलेगा बोल के वैसा सोचा। उसका दिल जीत लिया, फिर वोटा भी वैसे बदल गया। इन्हें दोनों सडनली दे आर टेकिंग डिसीजन। उन लोग आके यहाँ पे रेवंत रेड्डी जी ने और केसीआर जी ने आके यहाँ पे कांटेस्ट करे तो ये शुभकामना का है। उन लोग आए तो भी मैं स्वागत कर लिया। अभी इन लोगों को हराना बोल के मैं मेहनत करा। फिर वो ये जंग में, ये चुनाव जंग में बिना नोट का, बिना शराब का जीत मैं हासिल कर लिया। ये दिस इज द सरप्राइज। आप एक बड़े आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर इलेक्शन जीतना हो तेलंगाना पे नोट की जरूरत होती है और शराब की जरूरत होती है। कल मैं किसी से सही है। पूछ रहा था आपके बारे में तेलंगाना में, उन्होंने ये कहा कि जब आप कमरेड्डी में कैंपेनिंग कर रहे थे कि क्या आपने कोई बॉन्ड साइन की थी, आपने आपने वोटर्स के पास आप गए और उनको कहा कि आप अगर जीते या ना जीते तो भी आप अपने पैसों से कमरेड्डी की डेवलपमेंट में आप पैसे लगाएंगे। क्या ये सच है या ये उड़ती खबर आती नहीं रही? नहीं क्योंकि नहीं जब मैंने पूछा आखिरकार केवीआर साहब जीते कैसे, तो लोग कहते कि इसलिए जीते क्योंकि जिस तरह से एक पर्सनल टच था कि आप कोशिश ये कर रहे थे कि हार या जीत कुछ भी हो कमरेड्डी की डेवलपमेंट के पीछे केवीआर का हाथ रहेगा। सही बात बोला, लेकिन इसमें कामारेड्डी डेवलपमेंट नहीं है। आम आदमी का ये विदाउट कास्ट विदाउट रिलीजन के अपना उचित तो मतलब फ्री आपने एक हॉस्पिटल बॉन्ड, आपने बॉन्ड साइन किया था बांड बांड साइन केवीआर नहीं किया साहब? मैं। क्या आप ये बोल रहे कि आपने बॉन्ड साइन करके दी वोटर्स को? नहीं, गलत है, बात गलत है। वादा दिए थे, अगर भरोसा मेरे ऊपर अच्छा भरोसा नहीं है तो बता बांड आप बांड होना बोलते, लेकिन अगर अगर जन आम जनता का मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो बांड होना बोल के बोलता। उन लोग पूरा मेरे ऊपर भरोसा है, जो भी बात बोलता सही बोलता, जो भी होता होता, ना होता नहीं होता बोल के बोलते बोलते सब लोग भरोसे पे है हमारा। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी है जब का जब डिसीजन ले लेते, जब का जब बोल देते। अगर होता होता बोल तो, नहीं होता नहीं होता बोल तो, लेकिन वोट के लिए दूसरों को झूठ बात नहीं बोलते। हम बॉन्ड लिख के नहीं दिया, हम एक बुकलेट बना के दे दिया, हम करे सो काम करने का क्या है बोल के। ये फ्री हॉस्पिटलिटी, फ्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स,
ऑफ वुमेन एंड मेन एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स डोर सर्विस के लिए रैतो सेवा केंद्र बोल के एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर बोल के मैं बोला था 150 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी बेच के विथ लीगली चैरिटी में डाल के हमारा पिताजी का नाम पे चैरिटी है वो चैरिटी के ऊपर विथ लीगली एवरीथिंग करके मैं ये सर्विस देता हूँ जीते तो भी हारे तो भी ये वेंकटरमणा रेड्डी का वादा बोल के बोला लेकिन कहा तो भी मैं साइन नहीं लगाया। तो आप ये कह रहे कि केवीआर साहब आप ये कह रहे थे अगर आप हार जाते फिर भी आपने जो आश्वासन पब्लिक को दी वो आप अपने पैसों से करते, क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ मेरा पैसे से कर तुम बोल के वादा दिया केवीआर साहब। और एक सवाल ये करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जो मैं ये भी पूछ रहा वादा था आपसे किया था कि क्या आपने जानबूझ के कमर रेड्डी आपने चुना, क्योंकि आपको पता था कि जिस तरह से केसीआर के ऊपर आपने आरोप लगाई थी कैंपेनिंग के वक्त, रेवंत रेड्डी दोनों ही आखिर का कमर रेड्डी से है नहीं, वो बाहर के हैं, जिसके ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा बैटल बैटल बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर हो चुका था, क्या आपको लगता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था आपके लिए? मैं 140 सभा कर लिया था चुनाव में, 140 प्रसंग किया था मैं, उसमें कभी भी मैं लोकल नॉन लोकल बोल के नहीं बोला। आप देख देख सकते मेरे फेसबुक में भी देख सकते, मैं बोला दो जगह में कांटेस्ट करा। अगर इतना भरोसा है हम जीतते बोले तो ये कुड़ंकुल को छोड़ दे के रेवंत रेड्डी साहब यहाँ लड़ना, गजवेल को छोड़ दे के अपना केसीआर साहब यहाँ लड़ना बोल के बोला। अगर ना लड़े तो ऐसा दो दो जगह में लड़े तो इन लोग कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ देते, या कामारेड्डी छोड़ देते केसीआर साहब, नहीं तो गजवेल, या कामारेड्डी छोड़ देते या कोडंगल रेवंत रेड्डी साहब छोड़ देते क्या बोल के मैं पूछा। अगर कोडंगल का बस कोडंगल चले आते और गजवेल का बस गजवेल चले आते, कामारेड्डी का बस कामारेड्डी में रहते बोल के बोला। इतना ही बोला लेकिन कुछ भी गलत शब्द नहीं निकला, एक लफ्ज भी नहीं निकाला। रेड्डी साहब बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए, ये ऐतिहासिक जीत है आपके लिए, और ये देखना पड़ेगा जिस तरह से आपने कहा जो आपने आश्वासन की पब्लिक को वो आखिरकार अगले 5 सालों में आप उस पर खड़े रहते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। साहब मैं 1.5 साल में 18 months पूछा, मैं 18 months के अंदर करके बता तुम बोल के बोला, 5 साल नहीं 1.5 साल। अच्छा चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। आखिरकार बहुत कम केवीआर साहब नेता लोग ये कहते हैं कि चंद दिनों में वो करके दिखाएंगे। चलिए 18 महीने बाद वापस आपसे बात करेंगे कि आखिरकार वो हुआ कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओके ही मैं आपसे टाइम लेता हूँ वो करके ही, आप बगैर पूछने से पहले ही मैं आपको फोन करता हूँ, हमारा काम हो गया। आप रिपब्लिकन टीवी को यहाँ आके देखो बोल के मैं आपको मैं खुद फोन करता हूँ आप। बहुत बहुत धन्यवाद केवीआर जी हमसे बात करने के लिए। Shifting focus now to Hyderabad, where all the action is right now. We're given to understand that there is some amount of deployment that has been done outside Raj Bhavan. There are speculations that are doing the rounds that there is a possibility that CM aspirant Revanth Reddy, in all likelihood, could take oath by the end of the day. Remember, there have been some speculations that have been doing the rounds, whether at all the Congress is essentially fearful of the fact that there could be poaching, or the other important factor that there are other aspirants too for the chief minister's post in the party. We'll try and go across to my colleague Aniri, who's getting us the latest details from Hyderabad. Aniri, is it almost settled that Revanth Reddy is going to be the next chief minister of Telangana? Well,
Shavan, what we are seeing right now is that, well, a lot of meetings are underway, and also at the same time, we are hearing that few leaders are still not okay with Revanth Reddy being the chief minister. So we'll have to wait and watch, because earlier in the day, we had seen D.K. Shivkumar, deputy chief minister of Karnataka, who is also one of the observers for the Telangana state elections. He had stated that they have given a, they have moved a resolution that it will be Mallikarjun Kharge who will be taking a decision. And also at the same time, as I am reporting right outside Raj Bhavan, I'll like to show you around the security arrangements, because what we are being told is that through our sources that most likely the oath-taking ceremony of the chief minister and the deputy chief minister is likely to happen today after some time. But and just ahead of that, you see many police deployed here, and also security arrangements put forth here. Large number of supporters of the Congress party have also gathered. But also what we have been learning through our sources in Raj Bhavan as well, they have been stating that they have made all the arrangements at the Raj Bhavan for the oath-taking ceremony. But will it happen today or will it happen later tomorrow? We'll have to wait, because they also haven't got any sort of confirmation in that regard. But yes, what we are being told is that through our sources in the Congress party, most likely the oath taking of the CM and the deputy CM is likely to take place today later in the day. But will it happen today or later in coming few days still remains a larger question. And will it be Revanth Reddy or anyone else remains to be seen, because few leaders do not really very happy with Revanth Reddy. And also that is the reason why now there are a lot of meetings which are taking place, and still the Congress leaders are awaiting a final go-ahead from AICC. Well, thank you very much, Aniri, for getting us the latest details. We'll be tracking very closely whether at all Revanth Reddy is going to take oath as the chief minister or not. Speculations that could happen sometime later today. Should we focus now to the impact of the results coming in on the India Alliance? Ladies and gentlemen, the Congress has lost to the BJP 3-0 as far as the Hindi heartland states are concerned, with the consolation prize going to Telangana. The party, in fact, has failed to even save its governments in Rajasthan, in Chhattisgarh, or even try and exploit the anti-incumbency against the almost 20-year-old BJP government in the state of Madhya Pradesh. Now, while its win against the BRS in Telangana does bode well for its revival in the southern India, the state sends only 17 parliamentarians to parliament. The three states that the Congress lost sent a combined 65 MPs to parliament. The losses have seriously weakened the Congress's position in the opposition Indy bloc. The party certainly hoped that a good performance in these state elections would establish its dominance over the group. Instead, it has lost the moral authority to even lead any such alliance. The ties between the Congress and the Samajwadi Party, an important constituent of the Indy bloc, have soured over the seat adjustments in Madhya Pradesh. Both parties have actually hinted that they could go it alone in Uttar Pradesh, country's most populous and politically crucial state. The Congress has actually lost its bargaining power. The similar state prevails in other states too. In fact, this is a question that we had also asked the leader of the opposition, Adhiranjan Chaudhary. Listen in to what he had to say. Adhir sir, what went wrong for Congress party? Arre nahi. Sir, just 2 minutes, sir. Sir, what went wrong, sir? Sir, what went wrong? Arre, I have... I don't have... Adhir sir, what went wrong for Congress party? Arre, bole go, dada. Sir. Arre, aise nahi bole, aram se, bhai. Adhir sir, what went wrong for Congress party? Arre nahi. Sir, just 2 minutes, sir. Sir, what went wrong, sir? Sir, what went wrong for... Arre, I have... I don't have... Adhir sir, what went wrong for Congress party? Arre, bole go, dada. Sir. Arre, aise nahi bole, aram se, bhai. Getting in some more breaking news right now as far as the inside details of...
The probable CM faces in Chhattisgarh. In fact, apart from Dr. Raman Singh, who's been the front runner, the former chief minister of Chhattisgarh, Arun Sao, BJP state president, also happens to be another name that's doing the rounds. Vishnu Deo Sai is also some names that are now coming in as far as the chief minister probables are concerned. Let me just put out some of the interviews that have been done by my colleague Simran on this, who perhaps could be the next chief minister of Chhattisgarh. Let's listen. Is Om Prakash Chaudhary, who has won from the Raigarh Assembly seat. The BJP has won with the massive mandate, and you yourself has been successful in having a vote margin of over 64,000. How has been this win, firstly? And secondly, what is the way forward for you right now, especially in your assembly constituency? जो मेरी असेंबली है उसके लिए मैंने लोकल रायगढ़ का विकास पत्र जारी किया है और हमारे जो विजन हैं वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के व्यापारियों के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको हमने एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया है और उसको उसकी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और रायगढ़ को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम काम करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में भी हमारा संकल्प पत्र है और भारतीय जनता पार्टी इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कमिटेड होकर के काम करेगी। कांग्रेस ने एनआरकी फैला करके रखा था, करप्ट एनआरकी, कांग्रेस के रिजीम को मैं डिफाइन करना चाहूँगा एक करप्ट एनआरकी के रूप में। पूरी तरह से अव्यवस्था थी, एनआरकी थी और उसमें भारी भ्रष्टाचार था, करप्शन था। उसके जगह पर गवर्नेंस स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। Several top policymakers and members of corporate India converge at Republic's in third economic summit at the national capital. Republic is all set to bring to you its day-long event tomorrow on the 5th of December, 8:45 in the morning. Don't miss out on the action as government representatives and industry leaders discuss India's growth story at the India Economic Summit, sustaining the dream run. With over 100 unicorns and more waiting to come up, it's time to celebrate India's entrepreneurial spirit. Join us.